रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना पहुंच गई। टनल में फंसी ऑगर मशीन को निकालने का काम चल रहा है। टनल की ड्रोन मैपिंग हो रही है। मजदूरों को अंधेरी सुरंग से निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही है। टनल हादसे के 16वें दिन अभी भी मजदूरों तक पहुंचने की मशक्कत जारी है। ऑगर मशीन खराब होने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। वर्टिकल ड्रिलिंग यानी टनल तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चोटी से ड्रिलिंग का विकल्प है। रविवार शाम तक 19.2 मीटर वर्टिकल ड्रिल किया गया था। अगले चंद घंटों में 45 मीटर ड्रिलिंग होने की उम्मीद है। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए दूसरी मशीन लगाई जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 60 मीटर तक 6 इंच की एक फूट पाइप भी डाली गई है। टनल तक पहुंचने के लिए 85 मीटर से ज्यादा वर्टिकल ड्रिलिंग करनी होगी। एक्सपर्ट के मुताबिक वर्टिकल ड्रिलिंग कर टनल तक पहुंचने में 100 घंटे का समय लग सकता है, यानी मजदूरों तक पहुंचने में 4 दिन का समय लगेगा। हमें लगता है कि आज से 4 दिन बाद 100 घंटे, मतलब हमने उसका टारगेट रखा है, 4 दिन में SJVNL जो है ये वर्टिकल ड्रिलिंग करके 305 मीटर चेनेज के पॉइंट पे 86 मीटर ड्रिल करके नीचे टनल को ओपन कर सकता है। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग का रास्ता आसान भी नहीं है। पहाड़ के ऊपर से टनल तक होल करना है। ऐसे में टनल में और मलबा गिरने की आशंका है, इसलिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग वाले विकल्प को पूरी तरह बंद नहीं किया गया है। अब तक टनल में 46.8 मीटर की हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी करीब 12 मीटर की ड्रिलिंग और होनी है। लेकिन ड्रिल कर रही ऑगर मशीन खराब होने से काम रुक गया था। अभी खराब ऑगर मशीन को टनल से निकालने का काम चल रहा है। प्लाज्मा कटर से खराब ऑगर मशीन को काट कर निकाला जा रहा है। टनल से ऑगर मशीन का 8.15 मीटर का हिस्सा निकालना जाना बाकी है। ये काम अगले चंद घंटों में पूरा कर लिया जाएगा। ऑगर मशीन को टनल से निकालने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू होगी। अभी जो बचा हुआ है ऑगर के अंदर, जो टूटा हुआ ऑगर है 8.15 मीटर, तो जैसा आप देख रहे हैं कि जैसा बताया गया था कि बाकी मशीनरी आने से और जो एडिशनल प्लाज्मा कटर आया या उन लोगों को और एडिशनल सपोर्ट आ गई, तो उसकी वजह से तो होप सो मतलब जो स्पीड चल रहा है वो ठीक चल रहा है। अभी तक और कोई ऐसा हर्डल आया नहीं है, तो उम्मीद है कि जो काम चल रहा है उसी प्रगति से चलता रहा तो हम लोग वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए पॉजिटिव साइन। टनल में मैनुअल ड्रिलिंग में सेना भी सहयोग करेगी। मैनुअल ड्रिलिंग के काम में अब आगे और बाधा ना आए, इसके लिए टनल के अंदर ड्रोन से मैपिंग हो रही है। कोशिश है कि ऑगर मशीन का हिस्सा टनल से बाहर आते ही मैनुअल ड्रिलिंग शुरू की जाए, इसके लिए पहले ही पूरी तैयारी हो रही है। देखिए ड्रोन मैपिंग की जा रही है, ठीक सामने आप देखिए टनल का मुख्य हिस्सा है, ड्रोन आपको वहां पर उड़ता हुआ नजर आ जाएगा और टनल के पूरे हिस्से की मैपिंग इस वक्त शुरू कर दी गई है। जैसा बताया जा रहा था कि आधुनिक मशीनें यहां पर मंगाई गई हैं, रोबोट्स मंगाए गए हैं ताकि एक एक चीज की मैपिंग हो सके। और ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आगे का हिस्सा है टनल का, वहां तक ड्रोन पहुंच गया है, भीतर से मैपिंग करते हुए पहुंचा है और यही ड्रोन जो है ऊपर से नीचे पूरी टनल की मैपिंग करेगा कि सामने से ऊपर से पीछे की तरफ से और अगल बगल की साइड से हम यहाँ पर हमको इस टनल को भेदना है, तो इससे पहले इसकी मैपिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। टनल में फंसे मजदूरों को खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों का हौसला बरकरार रहे इसके लिए उनसे लगातार बात की जा रही। रविवार को टनल में फंसे मजदूरों की बात उनके परिवार वालों से भी कराई गई। अच्छी बात ये रही कि सभी मजदूर अभी स्वस्थ हैं और रेस्क्यू का काम भी आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तरकाशी के बदलते मौसम ने जरूर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।